भोजपुरी संगम के तत्वाधान में संस्था के संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह की चार महत्वपूर्ण भोजपुरी कृतियों श्याम प्यारा साधु संत, भोजपुरी महाभारत, घरेलू नुस्खा और दीक्षा गुरु का लोकार्पण महानगर के एक निजी स्कूल में सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चितरंजन मिश्र और संचालन श्रीधर मिश्र ने किया। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने बताया कि इंजीनियर राजेश्वर सिंह में साहित्यिक दृष्टि से भी इंजीनियर का धर्म मौजूद है। भोजपुरी के प्रति इंजीनियर राजेश्वर सिंह की निष्ठा, समर्पण और सक्रियता सराहनीय है। घरेलू नुस्खा के बारे में उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में उपयोगी सुझाव के साथ ही सदाचार और शिष्टाचार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी लोक में निर्गुण परंपरा है, अपने इतिहास को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर हरिवंश शुक्ला, हरीश, धर्मेंद्र त्रिपाठी, चंद्रगुप्त वर्मा, ब्रजेश राय, अवधेश नंद, रविन्द्र मोहन त्रिपाठी, राम दुलार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने कहा। और बहुत जरूरी चीज से आपके परिचित करेंगे, आपके पढ़ने में और मजा आए। गुरु चेला के संबंध पर विमलेश जी बहुत निरव महिमा के बारे में कुछ बात हो चाहिए। कहे से कि गुरु द्रोणाचार्य जी ही महाभारत में पांडव के भाई सौठ सत्य के विरोध में किस भगवान तक के दिन भर में झगड़ा में डाल दे। बहुत पुराण है, हम सब जानना है, हम वक्ता ना है, विद्वान ना है, लेकिन अपन व्यथा जरूर अपन बात। मैं चितरंजन मिश्र हूँ, भोजपुरी के सक्रिय रचनाकार इंजीनियर राजेश्वर सिंह की चार पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। ये पुस्तकें जीवन, समाज, दर्शन, अध्यात्म सभी से जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर से साहित्य की परंपरा से भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें दीक्षा गुरु पुस्तक है, भोजपुरी महाभारत है, श्याम प्यारा साधु संत हैं और घरेलू निस्खे हैं। ये एक विविध प्रयास है कि कृष्ण भक्ति परंपरा के साधुओं का, संतों का जीवन, दीक्षा जो जिनकी शिष्य परंपरा चल रही है उनका जीवन, उनका कृतित्व, और महत्वपूर्ण प्रयास है पूरे महाभारत को भोजपुरी में प्रस्तुत करने का। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं संस्कृत, उनके लिए भोजपुरी में उपलब्ध कराया है राजेश्वर सिंह ने। और घरेलू नुस्खा जो सब लोगों के घर में जो सामग्री उपलब्ध होती है, उससे कैसे हारी बीमारी से बचा जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ये सब बहुत ही प्रशंसनीय है और सब लोग, पूरा मंच राजेश्वर सिंह को बधाई दे रहा है और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त कर रहा है।